शिवपुरी जिले की सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने एक युवक की शिकायत पर सिंह निवास सरपंच पति समेत तीन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में हुए विवाद के बाद सिंह निवास गांव की महिला सरपंच के पति ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर नवाब साहब रोड चंद्र कॉलोनी के रहने वाले एक युवक पर बंदूक से फायर कर उसकी हत्या का प्रयास किया है। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार संजय रावत पुत्र स्वर्गीय मुकेश कुमार रावत उम्र 27 साल निवासी ग्राम गहलौनी थाना सिरसौद हाल निवासी चंदा कॉलोनी नवाब साहब रोड शिवपुरी ने कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 17 फरवरी 2024 को उसके भाई कपिल रावत का एक शादी समारोह में प्रभात रावत निवासी सिंह निवास से झगड़ा हो गया था। उसी बात को लेकर शनिवार को रात करीब 11 बजे प्रभात रावत, प्रकट रावत, प्रमोद रावत तीन काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से मेरे घर आए और तीनों मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। मैंने गालियां देने से मना किया, तभी मेरे चचेरे भाई राधे दीपक रावत व अनिल ओझा मौके पर आ गए। तभी प्रभात रावत ने पिस्टल से जान से मारने की नीयत से मुझे फायरिंग किया। मैं तो नीचे झुक गया तो पिस्टल की गोली मेरे पीछे दीवार में लगी, जिससे मैं बाल बाल फट गया। फिर वह तीनों लोग स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर भाग गए। वहीं पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर से तीनों लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।